हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं विनोद मिश्रा आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूँ, हाउ टू गेट जॉब्स। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर कुछ ऐसा वीडियो बनाए जिससे आज जो युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, नौकरी पाने का उनको आसान तरीका नहीं मिलता कि क्या सही अप्रोच है, क्या सही तरीका है, तो दिल्ली NCR के अंदर नौकरी कैसे मिले। मोस्टली कंसल्टेंसी के पास भी नौकरी मांगने जाते हैं तो उनसे पैसे चार्ज करती हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसी को फ्रॉड बना देती हैं। लोगों के पास दोस्तों के सहारे से भी नौकरी पाना चाहते हैं, दोस्त उनको मूर्ख बना देते हैं, तो नौकरी कैसे पाई जाए। फिलहाल में मेरे पास में कुछ ऐसी बातें सुनने में आई हैं, कुछ गर्ल्स ने कहा सर हम जब नौकरी पाने जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो आपकी नौकरी लगवा दूंगा, तो लड़कियों का शोषण हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है। पढ़ने लिखने के बाद भी अच्छी नौकरी आपको नहीं मिल पाती, आपको यही नहीं पता कि नौकरी मिलती कैसे है। नौकरी कोई सब्जी की दुकान पर तो मिलेगी नहीं, नौकरी कोई किराने की दुकान पर तो मिलेगी नहीं, अब नौकरी मिलती कैसे। आपका दोस्त आपकी जॉब लगवा देगा, क्या दोस्त भगवान है, क्या वो आपकी नौकरी लगवा देगा। आपको अपने दम पर नौकरी कैसे पाना चाहिए ये मेथड मैं आपको बताऊंगा, और ये आप सभी से प्रॉमिस है कि आप कभी भी एक्सप्लोटेशन का शिकार नहीं होंगे, कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों, एक नया व्यक्ति का दिल्ली NCR के अंदर जॉब पाने के लिए आता है तो सबसे पहले उसे अपनी फील्ड्स चुनना चाहिए कि जिस फील्ड में वो नौकरी पाना चाह रहा है, अगर उस फील्ड में नौकरी मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो उस फील्ड के अलावा वो किस किस फील्ड में नौकरी करना चाहता है। मान लीजिए एक व्यक्ति BTech किया है, उसने वो इंजीनियर बनना चाहता है, अगर उसे अपनी लाइन में नौकरी नहीं मिलती है तो वो 3-4 लाइन और चुने, जैसे कि मान लीजिए इंजीनियरिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर, BPO सेक्टर। सबसे पहले वो 4 ID बनाए जीमेल पर। ID बनाने के बाद उस 4 आईडियों को 4 सोशल साइट्स, या हम कह सकते हैं कि जॉब सीकर वाली साइट्स, उस पर वो अपने आप को रजिस्टर कर दे, जैसे naukri.com, monster.com, shine.com, times.com और भी बहुत सारी साइट्स, LinkedIn, ये आपका सोशल नेटवर्क भी है प्लस जॉब साइट्स भी है। तब आप 4 फील्ड में अपने आप को रजिस्टर कर दें कि आपको अपनी लाइन में, जैसे वो इंजीनियरिंग आपने किया उस लाइन में आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप एक रिज्यूम बना के अपनी लाइन में डाल दें, एक एजुकेशनल में डाल दें, दूसरा बैंकिंग, BPO, क्योंकि स्टेबल होने के लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले हमारे पास नौकरी आए, 10,000-15,000 जितने की होता है नौकरी मिले। नौकरी मिलने के बाद आप स्टेबल होंगे और धीरे धीरे जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर ध्यान देते रहे। आपने मान लीजिए BPO में नौकरी कर लिया, अगर आपको लगता है कि मैं BPO में अच्छा करता हूँ तो आप उसी में करियर बना लें, अगर आपको लगता है मैं बैंकिंग में अच्छा करियर बना सकता हूँ उसमें अच्छा करियर बना लें, और आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्टार्टिंग के लिए जो भी फील्ड में आपको नौकरी मिलती है आप उसमें नौकरी लगाएं और अपने फील्ड की तरफ देखते हैं। लेकिन लोगों सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये करते हैं कि BTech कर लेंगे, MBA कर लेंगे, और पढ़ाई करने के बाद उनके दिमाग में सपना आता है कि दिल्ली, NCR, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर, इन शहर में जाने के बाद डायरेक्टली प्रधानमंत्री की नौकरी मेरे लिए तैयार है। दोस्तों, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, मेरी आपको आपकी आत्मा आपकी फीलिंग के साथ में प्ले करने का या आपकी दिल की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी मतलब नहीं है। बस मेरा सिर्फ एक ही मतलब है यहां पर कहने का कि स्टेबल होने के लिए, नौकरी पाने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है पहले स्टेबल होना। एक बार आप स्टेबल हो गए
फिर जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं आप उसमें चले जाए। ना तो आपको दोस्त से पूछने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई रेफरेंस लगाने की जरूरत पड़ेगी, और आप आसानी से कंपनी में नौकरी पा सकते हैं और किसी भी बड़े शहर में आप स्टेबल हो सकते हैं। तो ये तरीका होता है करियर बनाने का। आप किसी भी बड़े शहर में बिना किसी की मदद के आराम से आप जा सकते हैं और अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं और बड़े से बड़े करियर आपको मिल जाएगा। पहली बार ये ना सोचें कि MBA किया है तो मैं अपने फील्ड में नौकरी मिले, BTech किया है तो मुझे अपने फील्ड में नौकरी मिले। फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप है वो ये है कि मुझे नौकरी मिले। एक बार आप जिस सेक्टर में आप नौकरी पा लेते हैं आप नौकरी पा लें, उसके बाद आप कंटिन्यू वर्क करें। और ये मेरा विश्वास है कि जब व्यक्ति की लगन एक चीज के लिए लग जाती है तो आखिरी में वो उसे पा लेता है। अगर आपकी लगन बैंकिंग सेक्टर में, आपकी लगन इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो आप अपने फील्ड में जाके नौकरी पा सकते हो और पा लोगे। बट डायरेक्ट आप 10वीं सीढ़ी पर चढ़ना चाहो तो कभी नहीं चढ़ सकते, क्योंकि इंसान को पहली सीढ़ी पर कदम रखना पड़ता है, उसके बाद दूसरी, और धीरे धीरे वो अपनी मंजिल को पा लेता है। कहा जाता है कि नदी को पार करना हो तो नदी की पार पे भी जाना पड़ेगा और नदी के बीचा बीच में भी जाना पड़ेगा, तब भी आप नदी पार कर सकते हैं। बिना पार पे जाए नदी को पार नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको बड़े बड़े शहरों में सेटल होना है तो आप ये प्रोसेस अपनाएं और आसानी से अपना करियर का निर्माण करें। धन्यवाद।